सिविल केसेस में जो हम इंजंक्शन लेते हैं, स्टे लेते हैं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि स्टे किन सूरत में आपको मिल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट जैब जमाली और आप देख रहे हैं जेडजे लीगल। देखें, सिविल केस हम जब फाइल करते हैं तो मेजॉरिटी केसेस में हम स्टे एप्लीकेशन भी दे देते हैं इंजंक्शन की। अब किन सूरतों में आपको स्टे मिल सकती है, किन सूरतों में नहीं मिल सकती, बेसिकली ऑर्डर 39 रूल 1-2 जो है ये इंजंक्शन से डील करते हैं। इसके तहत इंजंक्शन ग्रांट होती है। अब इसमें तीन इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं जो कि फुलफिल होंगे तो आपको इंजंक्शन मिल जाएगी, आपको स्टे मिल जाएगा। तीन इंग्रेडिएंट में सबसे पहला जो है वो है प्राइमा फेशा केस, सेकंड जो है इरेपरेबल लॉस, थर्ड जो है वो है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि फुलफिल करनी प्लेंटिव की जिम्मेदारी है और उसके बाद स्टे ग्रांट हो जाएगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमा फेशा केस को। व्हाट इज प्राइमा फेशा केस? बादल नज़र में केस बन रहा हो, सीपीसी जब आप उठाएंगे तो प्राइमा फेशा केस सीपीसी में कहीं भी उसकी डेफिनेशन नहीं है। बेसिकली अगर इसको डिफाइन किया जाए मीनिंग के सम ऑफ हिज राइट्स एंड देयर वायोलेशन और देयर इन्फ्रिंजमेंट, मीन इनके राइट थे प्लेंटिव के और उसकी इन्फ्रिंजमेंट हुई, मीनिंग देयर बाय के उन प्राइमा फेशा केस बन रहा है। अब प्राइमा फेशा केस कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये प्राइमा फेशा केस है या नहीं है? बेसिकली एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ इंजंक्शन एप्लीकेशन जो भी मटेरियल कोर्ट के सामने है, जो भी एविडेंस कोर्ट के सामने है, उसके बिहाफ पे ये डिसाइड किया जाएगा कि प्राइमा फेशा जो इंग्रेडिएंट है वो बन रहा है या नहीं बन रहा। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, प्राइमा फेशा केस का मतलब ये है कि हर हाल में प्लेंटिव जो है वो सक्सीड कर सकता है इस केस में और केस डिक्री होने के काबिल है, तो ये होता है प्राइमा फेशा केस। अब हम चलते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ जो है इरेपरेबल लॉस। व्हाट इज इरेपरेबल लॉस? लॉस तो हो गया नुकसान, इरेपरेबल लॉस मींस कि जिसकी रेमेडी ना हो सके। फॉर सपोज ऐसा कोई लॉस जिस जो कि आप पैसों के एवज उसकी रेमेडी ना कर सकें, टाइम गुजर गया, अब आप पैसे भले जितने भी दें लेकिन टाइम तो वापस नहीं आएगा, दिस इज इरेपरेबल लॉस, मीनिंग देयर बाय सिंपली सच लॉस व्हिच कांट बी कैलकुलेटेड ऑन द यार्ड स्टिक ऑफ मनी। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड इंग्रेडिएंट क्या है? बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बेसिकली दिस इज बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस। कैसे मैं आपको समझाता हूँ कि जो प्लेंटिव को इनकन्वीनियंस पहुँचेगी वो उनकी इनकन्वीनियंस बड़ी होगी डिफेंडेंट से। कैसे? अगर फॉर सपोज इंजंक्शन ग्रांट नहीं होती और सब्सिक्वेंटली सूट डिक्री हो जाता है तो प्लेंटिव को नुकसान पहुँचेगा, प्लेंटिव को इनकन्वीनियंस पहुँचेगी, और इंजंक्शन ग्रांट हो गई आखिर में सूट डिक्री ना हुआ तो जो इंजंक्शन के जरिए इनकन्वीनियंस पहुंची है डिफेंडेंट को, इन दोनों को देखा जाएगा कि अगर फॉर सपोज प्लेंटिव का जो इनकन्वीनियंस है वो बड़ा है, मींस के इनकन्वीनियंस बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस इज इन फेवर ऑफ प्लेंटिव, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये भी इंग्रीडियंट मुकम्मल हो जाएगी। मैंने अब आपको ब्रीफली बता दिया कि कौन से तीन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि फुलफिल करना लाजमन है स्टे की एप्लीकेशन में, इंजंक्शन की एप्लीकेशन में। अब हम इसको अगर कंक्लूड करें तो प्राइमा फेशा केस, सबसे पहला प्राइमा फेशा केस, जब भी सूट दाखिल होता है तो प्लेंटिव क्या करता है मेजॉरिटी केसेस पे स्टे की एप्लीकेशन भी देता रहता है। अब स्टे की एप्लीकेशन में लाजमी है कि प्राइमा फेशा केस बन रहा हो उसके हक में। सेकेंडली इरेपरेबल लॉस पहुंचे किसको? प्लेंटिव को। थर्डली बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस वो भी किसको फेवर कर रहा हो? वो भी प्लेंटिव को फेवर कर रहा हो। तो ये तीन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अगर फुलफिल हो जाती हैं तो स्टे ग्रांट हो जाएगी, इंजंक्शन ग्रांट हो जाएगी। अगर आपको कोई लीगल क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।